हेलो नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है द भारत टॉक्स पे। बात करें ओवैसी की, आपको सबको पता है किस तरह से उस पर हमला हुआ था यहाँ पे, या फिर एक कहानी रची गई थी, अभी तक यहाँ पे जांच का भी विषय है। लेकिन ओवैसी का यहाँ पे एक ट्वीट है, ओवैसी ने यहाँ पे लिखा है, ना डरने वाला हूँ ना सिक्योरिटी लेने वाला हूँ, मैं अपना चुनाव प्रचार जारी रखूंगा, अगर किसी माई के लाल में दम है तो मार के दिखाए मुझे। ये है ओवैसी का कहना। और ओवैसी ने यहाँ पे क्या कहा मीडिया वालों के सामने, ये भी आप देख लीजिए। कौन सा बयान है जो आपने, नहीं कौन सा बयान है, कौन सा बयान है हमारा बताओ। बाबरी मस्जिद के बारे में, क्या बाबरी मस्जिद है? बाबरी मस्जिद सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, और क्या है, कौन सा जजमेंट है, कौन से उसमें धर्म के खिलाफ ने बात की है, और ये कौन होते जान गोली चलाने वाले, वो तय करेंगे और गोली चलाएंगे, कौन है लोग, तो फिर कोर्ट किस लिए है? कोर्ट में कंप्लेन की हमारे खिलाफ, FIR दिया आपने, पुलिस FIR किया हमारे खिलाफ, कौन सा केस चल रहा है हमारे पे बताइए। उत्तर प्रदेश में झूठ पे झूठ बोलते हैं, इस तरह की बातें करके जस्टिफाई कर रहे हैं उनकी इस हरकत को। ये दो लोग नहीं है, इनके पीछे बड़े दिमाग हैं, और अगर मोदी सरकार और उत्तर प्रदेश योगी सरकार इनको बचाने की कोशिश करेगी तो देश के हित में नहीं है। ये याद रखिए, कैंसर जब फैल जाएगा देश में तो रूल बाय गन चलेगा, रूल ऑफ लॉ कमजोर पड़ जाएगा। ये सरकार का काम है कि इन तमाम चेहरों को बेनकाब करें, ये इनकी जिम्मेदारी है कि देश में NRK फैलाने वालों के खिलाफ जो गोली चलाते हैं, एक 4 मरतबा के MP को, 2 मरतबा के विधायक को, और वो भी इलेक्शन कैंपेन में, ये बताता है कि उत्तर प्रदेश में और देश में क्या हो रहा है। जब प्रयागराज इलाहाबाद में धर्म संसद में हमको गालियाँ दी गई, धमकियाँ दी गई, तो सरकार सो रही थी, नोटिस क्यों नहीं लिया उनका? जब गाजियाबाद में एक सेना के जिम्मेदार ने कहा कि इसकी गर्दन काट दो, सरकार सो रही थी। हमारे घर पर हमला होता है, लाइव फेसबुक पर किया जाता है, सरकार को नहीं दिखता। मेरे घर के सामने दिल्ली पुलिस, कितने कैमरास लगे हुए हैं, आपको लाइव टेलीकास्ट करते हैं, आपका क्या कर रहा है आपके टेक्निकल विंग। मुझे मेरी जान की फिक्र नहीं है, मैं जाऊंगा एक दिन दुनिया से, सब जाएंगे इस दुनिया से, मगर याद रखिए हम जब तक जिंदा रहेंगे हक की सरबुलंदी के लिए काम करते हैं, और मैं नहीं डरने वाला हूं। तो देखा आपने, यहाँ पे ओवैसी ने सिक्योरिटी लेने से मना कर दिया, और साफ साफ यहाँ पे ऐसा कर दिया कि यहाँ पे यूपी में जानबूझकर यहाँ पे उन पे हमला हो रहा है, और ये जानबूझकर कहीं ना कहीं चुनावी प्रोपेगंडा यहाँ पे लग रहा है। खैर, आपका कहना है इसके बारे में, आप नीचे कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा शेयर करें, सभी तक पहुंचे, और जान इस पे काम जरूर कर दे। चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, पास में जो घंटी का निशान उसको जरूर दबा दे, ताकि हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आज के वीडियो में तय, मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।